Good afternoon, students. Welcome back. Our third session of class 7th economics. Now, and normative economics. And the next is central problem of economics, which has three sub-aspects: what to produce, how to produce, and for whom to produce. देखो बच्चे, पिछले क्लास में मैंने आपके साथ ये दो टॉपिक डिस्कस किया था बेटा. जो पहला टॉपिक था आपका वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Positive economics shows that aspect of economics which can be verified. It is fact and does not based upon individual opinion. At the same time, the normative economics is an opinion of an individual which cannot be verified. It is just suggestive in nature. हमने इस एस्पेक्ट को टच किया था बच्चे लास्ट क्लास में कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच क्या अंतर है. जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है यदि क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट. यानी आप ₹10 का 10 सामान खरीदते थे पहले और यह ₹100 का हुआ करता था. अगर अभी भी आप 10 सामान खरीद रहे हो और प्राइस 10 से 12 हो गया है तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि अब आपको ₹120 खर्च करने पड़ेंगे. तो जो चीज फैक्ट है, वेरीफाइड है, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्व, इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. वहीं दूसरी तरफ प्राइस के बढ़ने पर आप क्वांटिटी कम कर दोगे यदि आप गरीब हो और आपकी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आएगा यदि आप अमीर हो. अर्थात ये इंडिविजुअल का ओपिनियन है कि प्राइस के बढ़ने पर वह कमोडिटी के क्वांटिटी परचेज में क्या चेंजेस लाता है. इट इज नॉट फैक्ट, इट इज सिचुएशनल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है और उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं. एवरी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हैज थ्री एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. हम यह सोचते हैं बच्चों कि हम कौन सा कमोडिटी बनाए. हम बात करते हैं सेलेक्शन ऑफ कॉमोडिटी की, कि हम किस तरह की वस्तु का निर्माण करने जा रहे हैं. और उसके साथ हम ये भी देखते हैं बच्चों कि उस वस्तु की हम कितनी क्वांटिटी बनाते हैं. ये दोनों बातें निर्भर करती है कि आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं. रिसोर्स के आधार पर आप तय करते हो कि आप किस तरह की वस्तु बनाओगे और उस वस्तु की कितनी मात्रा आप बनाओगे. जब मैं बात करता हूं सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी की तो वहां से दो तरह के गुड्स निकलकर सामने आते हैं बच्चों. पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आपके नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है और वहीं कैपिटल गुड्स जिसका एग्जांपल मशीन है वह आपकी नीड को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है. जब मैं ये तय कर लेता हूं कि मैं किस तरह की वस्तु बनाने जा रहा हूं तो उसके बाद मैं अपने रिसोर्स को देखते हुए यह तय करता हूं कि मैं किस कमोडिटी का कितना वस्तु बनाऊंगा. और ये सिलेक्शन ऑफ व्हाट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आज के टॉपिक को लिंक करेगा बच्चे, और जिसका नाम होगा PPC, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा. इससे पहले मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूं कि जब हम यह तय कर लेते हैं कि हम कौन सी वस्तु बनाने जा रहे हैं तो फिर
बात आती है सिलेक्शन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक की। हम यह चुनते हैं कि उस वस्तु का निर्माण हम किस पद्धति के द्वारा किस ढंग से करें। और यहां से दो एस्पेक्ट निकल कर आता है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। यदि आपके पास पैसा कम है तो आप ज्यादा मजदूरों की मदद से कम पैसा यूज करके लेबर इंटेंसिव टेक्निक का सिलेक्शन करते हैं। सो इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक वी यूज मोर ऑफ अ लेबर एंड लेस ऑफ अ कैपिटल। व्हेन वी गो फॉर सेकेंड टाइप ऑफ टेक्निक दैट इज कैपिटल इंटेंसिव, इट इज जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मर वन। इसके अंदर आप कैपिटल का प्रयोग, पूंजी का प्रयोग ज्यादा करते हैं और लेबर, श्रम का प्रयोग कम करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए बच्चों, लेबर इंटेंसिव अच्छा है क्योंकि इसके माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वहीं कंट्री लाइक अमेरिका, यूके जो डेवलप्ड नेशन है, वहां पर कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है, तो ऐसे देश कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और आखिरी मैंने आपसे बात की थी फॉर होम, आखिर आप ये किसके लिए बनाने जा रहे हैं? यह सामान आप अमीर के लिए बना रहे हैं या गरीब के लिए? यदि आपके पास पूंजी ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में आप मोर फॉर रिच एंड लेस फॉर पुअर बनाएंगे, और यदि आपके पास कैपिटल कम है तो ये सिचुएशन बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा, जब आप गरीब के लिए ज्यादा वस्तु बनाएंगे और अमीर के लिए कम। इसके भी दो एस्पेक्ट थे, द फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड वन इज फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देश के नेशनल इनकम का बंटवारा अमीर और गरीब के बीच करते हैं, वहीं फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो चार हुआ करते थे, आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो अपना लेबर देता है उसे आप वेज देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना भूमि या लैंड दिया है उसे आप रेंट देते हैं, जिस व्यक्ति ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको आप इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट देते हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अब आज का मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं बच्चे, और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चे पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और कभी कभी इस पीपीसी को हम पीपीएफ भी कहते हैं। द वर्ड मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसका संबंध व्हाट टू प्रोड्यूस से है। जब आपने अपने रिसोर्स से देख लिया था कि आपको दो तरह के गुड्स बनाने हैं, तो वो दो गुड्स हुआ करते थे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और उसका सेकेंड एस्पेक्ट था इन व्हाट क्वांटिटी दीज गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो बच्चे जब आप पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी क्या है, हम सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या आरेखीय प्रदर्शन है, किसका, टू गुड्स का। आप इसमें दो वस्तुएं दिखाते हैं, एक एक्स अक्ष पर और एक वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, तो इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो आप देखते हैं बच्चों कि आपके पास संसाधन रिसोर्सेस कितने हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विथ गिवन रिसोर्सेस, आप ये देखते हो कि आपके पास पैसा कितना है। अपने
लिमिटेड रिसोर्स से कैसे आप दो गुड्स बनाने जा रहे हैं, और साथ में आप देखते हो कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हो. सो दिस कंट्रीब्यूट्स टू द डेफिनेशन ऑफ पीपीसी. इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी. जो पद्धति तकनीक आपके पास मौजूद है उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आपके दिए गए संसाधनों से आप किस प्रकार से दो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इसको आरेख के द्वारा दिखाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जिसका दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाता है. हिंदी में से उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं. अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार हम अपने रिसोर्स को यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज. M means money income. मनी इनकम का मतलब रिसोर्स आपके पास कितना है. PX प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, जो पहली वस्तु आप बनाने को जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी है. और PY प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी, दूसरे वस्तु की कीमत कितनी है. तो मैं आपको यह समझा रहा हूं बच्चे कि हमारे पास 30 रुपए का संसाधन है जिसके द्वारा हम दो वस्तु का निर्माण करने जा रहे हैं, और पहले वस्तु की कीमत है 5 रुपए और दूसरे वस्तु की कीमत है 10 रुपए. तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस रिसोर्स से दोनों गुड्स बनाने का. देखो बच्चे, पहला मैं ये सोचता हूं कि मैं X गुड्स का निर्माण ही नहीं करता. तो अर्थात गुड्स X के स्थान पर मैं 0 लिख दूंगा. अब मेरे पास 30 के 30 रुपए बच गए हैं और उससे मुझे Y गुड्स बनाना है. Y गुड्स की कीमत 10 रुपए है. तो 10 रुपए से 30 रुपए में कितने गुड्स बन पाएंगे, और 10 के टेबल में 33 पे आता है. तो मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी निकलकर सामने आती है बच्चे कि मैं X गुड्स का निर्माण नहीं करता हूं और अपने सारे संसाधनों से Y गुड्स बनाता हूं. और Y के जगह सर ने 3 लिखा है, 3 × 10 = 30, और मैं 30 के 30 रुपए से Y गुड्स बनाता हूं. लेकिन मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो X गुड्स का हमसे मांग करते हैं. तो मुझे करना क्या होगा, मुझे Y के अंदर से कुछ रिसोर्सेस निकालने पड़ेंगे और उस संसाधन से मुझे X गुड्स का निर्माण करना पड़ेगा. तो देखो बच्चे, मेरी अगली सोच है कि मैं Y गुड्स का प्रोडक्शन 3 से कम करता हूं. तो जब मैं 3 नहीं 3 के बदले 2 गुड्स बनाता हूं, तो इस अवस्था में मेरे 20 रुपए खर्च होंगे. 2 × 10, 20 रुपीज मैंने खर्च कर दिया. अब मेरे पास 10 रुपए साधन बच गए. गुड्स X की कीमत 5 रुपए है बच्चे. तो 5 की टेबल में 10 कब आएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10. अर्थात मैं गुड्स X की भी 2 इकाई 2 यूनिट्स बना दूंगा. देखो बच्चे, मैंने कहा संसाधन सीमित है और संसाधनों का हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, अर्थात संसाधन बचने भी नहीं चाहिए. तो मेरे पास केवल 30 रुपए हैं और मेरे पास क्या क्या विकल्प, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसे हम इस टेबल के माध्यम से देखना चाहते हैं. तो देखो, मेरा पहला ऑप्शन था मैंने गुड्स X का निर्माण नहीं किया और सारे के सारे पैसे गुड्स Y के उत्पादन में लगा दिया. तो 10 की टेबल में 30 कब आता है बच्चे, 3, और ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन तैयार हो गया.
लेकिन मैं क्या महसूस करता हूं कि इस स्थिति में एक्स वस्तु की निर्माण ही नहीं हो पा रही है, तो मैं अगले विकल्प की तरफ बढ़ता हूं। संसाधन सीमित होने के कारण मुझे वाई के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो आई हैव टू कट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, जिसके कारण से मैं वाई वस्तु के उत्पादन को कम करता हूं और तीन से छोटा नंबर दो है, अर्थात मैं दो वस्तुएं वाई की बनाता हूं। वाई एक वस्तु 10 रुपए का है तो 2 × 10 = 20, ऐसा करने से मेरे 20 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब मेरे पास 10 रुपए बच जाते हैं, उस 10 रुपए से मैं एक्स बनाने की बात करता हूं और एक्स के लिए एक इकाई 5 रुपए का है तो 5 की टेबल में 10 2 पे आता है, तो मेरा संसाधन गुड्स एक्स की 2 इकाई और गुड्स वाई के 2 इकाई से समाप्त हो जाता है। अब मैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं। अब आपके पास एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं बच्चों, आप ऐसे ऐसे करके बार बार निकाल सकते हो लेकिन इससे वक्त लग जाएगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि y में कितने की कमी आ रही है। y में 1 इकाई की कमी आ रही है और x में 2 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो देखो बच्चे, y 1 से कम हो रहा है और x 2 से बढ़ रहा है, तो आप इस ट्रिक को फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, 2 में से 1 कम कर देंगे, 2 में 2 जोड़ देंगे, तो अगला मेरे पास संभावना आ जाएगा 4 1। इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 4 × 5 = 20 rupees, 1 × 10 = 10 rupees, सो 20 + 10 = 30 rupees, मैं 30 के 30 रुपए खर्च कर दे रहा हूं। अब मैं अगले विकल्प की तरफ जाता हूं, मैं इसको और भी कम कर सकता हूं। मैंने 1 से छोटा 1 - 0 लिखा बच्चे, और फिर 4 में 2 + कर दिया 6। ये आखिरी विकल्प है क्योंकि आप 0 से कम y नहीं बना सकते। तो अगर आप इन चारों को एक साथ देखते हो तो दीज 4 numbers और 4 options आर पॉसिबल विद द गिवन रिसोर्सेज एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी विच इज कॉन्स्टेंट, अर्थात पीपीसी बनाते वक्त आपको कुछ एग्जम्पशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो व्हाट आर दीज एग्जम्पशंस, हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? पहला, हमें 2 गुड्स बनाने हैं बच्चों। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेस फिक्स्ड हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है। चौथा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस करने हैं, यानी दिए गए साधनों में से आपको केवल 2 वस्तुओं का निर्माण करना है, आपके पास संसाधन सीमित है, रिसोर्सेस आर फिक्स्ड और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अर्थात वस्तु की कीमत x और वस्तु की कीमत y में कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता है और हमें अपने संसाधनों को पूर्णतः प्रयोग करना है। वी हैव टू यूज आवर रिसोर्सेस एफिशिएंटली एंड फुल्ली, हमें अपने संसाधन का पूर्ण रूप से प्रयोग करना है और उसको बचाना नहीं है। इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अलग अलग ऑप्शंस निकालते हैं अपने रिसोर्स को देखते हुए और वस्तुओं की कीमत को देखते हुए, तो उससे जितने भी संभावनाएं बन सकेंगी उन सब का कॉम्बिनेशन पीपीसी कहलाएगा बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। अब इसी टेबल को मैं एक आरेख के माध्यम से दिखाना शुरू करता हूं। मैंने गुड एक्स और गुड वाई दिखाया है,
और धीरे धीरे करके इन चारों पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं बच्चे। जो मैंने पहला पॉइंट दिखाया है वो x पर 0 और y पर 3 है। उसके बाद जो मैंने पॉइंट दिखाया है बच्चे वो 2-2 है, नेक्स्ट पॉइंट 4-1 है और लास्ट पॉइंट 6-0 है। इन चारों पॉइंट को सर ने ग्राफ के माध्यम से प्लॉट किया है और अब इसको एक वक्र से हम जोड़ देंगे। इससे पीपीसी आपको दिखाई पड़ रहा है आपके ब्लैक बोर्ड पर बच्चे। ये पहला कॉम्बिनेशन 0-3 का है, यह दूसरा कॉम्बिनेशन 2-2 का है, उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन 4-1 का है और आखिरी कॉम्बिनेशन 6-0 का है। यहां से जाकर अब आप पीपीसी को फिर से एक बार डिफाइन कर सकते हो। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यह आरेखीय प्रदर्शन है, विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दैट इज गुड एक्स एंड गुड वाई। इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसका उत्पादन कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेस। मेरे इस क्वेश्चन के लिए रिसोर्सेस 30 रुपए हैं एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जुड़ता है इससे, यानी वस्तु के निर्माण में किया जाने वाला खर्च, जो इस क्वेश्चन के लिए एक्स कमोडिटी के लिए 5 रुपए हैं और वाई कमोडिटी के लिए 10 रुपए हैं बच्चों। तो आप इस गिवन इंफॉर्मेशन के तहत सबसे पहले एक टेबल का निर्माण करेंगे, उस टेबल से अब आप एक ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं बच्चे। इस पूरे कंसेप्ट को पीपीसी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब यहां से 2 क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। क्या एक पॉइंट मैं ले रहा हूं ग्राफ के ऊपर, क्या ई पॉइंट संभव है, और एक और पॉइंट मैं ले रहा हूं एफ, क्या एफ पॉइंट संभव है। ए बी सी डी ये मेरे टेबल के प्लॉट्स थे पॉइंट जिनको मैंने प्लॉट किया था, अर्थात दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं रिसोर्सेस का ऑप्टिमम सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं। वहीं अब मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, क्या हम ई पर ऑपरेट कर सकते हैं और एफ पर ऑपरेट कर सकते हैं। देखो बच्चे, अगर आप ए बी सी और डी पे ऑपरेट कर रहे हो तो ये सभी पॉइंट्स ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब होता है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, दिए गए साधनों का पूर्णतः सही ढंग से इस्तेमाल। अब मेरा सवाल उठता था, क्या ई संभव है, वेदर पॉइंट ई इज पॉसिबल। यस, द आंसर इज इट इज पॉसिबल, बट दिस इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस अवस्था में आप संसाधनों का पूर्णतः सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब बात आती है पॉइंट एफ की, क्या पॉइंट एफ संभव है। आंसर इज नो, नॉट फिजिबल। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं बच्चे आपको। 30 रुपए के अंदर से आप 20 रुपए का सामान बना सकते हो और 10 रुपए बचा सकते हो। इस अवस्था में क्या हुआ कि आपके कुछ साधन बच गए हैं, लेकिन 30 रुपए से कोई भी 40 रुपए का सामान नहीं बना सकता है। अर्थात कभी भी हम पीपीसी के आउटसाइड, पीपीसी के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से समस्या आती है, रिसोर्सेस आर स्कार्स और संसाधन लिमिटेड हैं। बट एट द सेम टाइम इसी 30 रुपए में से
कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से 20 रुपए का सामान बना सकता है, अर्थात वो कम साधन का उपयोग कर रहा है और अपने साधनों का सही उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो 30 रुपए से हम 20 रुपए की वस्तु बना सकते हैं, 15 की बना सकते हैं, 25 की बना सकते हैं। ये सभी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसका दूसरा नाम इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। वहीं अगर आप 30 रुपए के अंदर से 40 रुपए की सामान बनाने की बात करोगे तो यह संभव नहीं है और पॉइंट एफ नॉट फिजिबल है, यह कभी भी संभव नहीं है। और यदि कोई उत्पादक 30 रुपए में अलग अलग ऑप्शन से ये चार ऑप्शन चुन करता है, चयन करता है और इनमें से कोई एक बना लेता है जिसमें पूरे के पूरे 30 रुपए खर्च हो जाते हैं, इस अवस्था को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अर्थात वह उत्पादक सक्षम है अपने संसाधनों का सही रूप से प्रयोग करने में। यहां जाकर बच्चे पीपीसी और पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना वक्र टॉपिक खत्म होता है। बच्चे मैं एक बार आपको इस टॉपिक का रिकैप देता हूं। अपने गिवन रिसोर्सेस और अवेलेबल टेक्नोलॉजी से कैसे प्रोड्यूसर टू गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसका आरेखीय प्रदर्शन, इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, टू शुड बी अंडरलाइंड, हम केवल दो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, विद द गिवन रिसोर्सेस, गिवन रिसोर्सेस शुड बी अंडरलाइंड, दिए गए संसाधनों का इस्तेमाल करना है, एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, दी हुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उत्पादक किस किस ढंग से दो वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, उसे हम लोग उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं बच्चे, जिसको आप नोट कर लेंगे बेटा और इसको करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और मैं इसी सेशन के लास्ट में या इन बिटवीन भी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहूंगा। जो क्वेश्चन बच्चे आपको करना है, आपके पास मनी इनकम अब 24 रुपए है, वस्तु एक्स की कीमत 2 रुपए तथा वस्तु वाई की कीमत 3 रुपए है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और आपको इसके लिए एक टेबल का निर्माण करना है, जो आप अगले क्लास में इसे पूछ सकते हैं और यदि कोई बीच में भी पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। अब यहां से बच्चे मैं एक नया कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा, MRT। MRT क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। अभी आपने देखा रिसोर्सेस सीमित हैं, साधन लिमिटेड है और जब कभी भी हम किसी एक वस्तु के निर्माण को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे वस्तु के निर्माण को कम करना पड़ता है। देखो बच्चे, मैंने एक टेबल आपके सामने रखा है और जहां पर मैंने 5 पॉसिबिलिटी को दर्शाया है,
अगर आप ध्यान दोगे बच्चे तो आप क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे गुड्स एक्स का निर्माण बढ़ता जा रहा है, संसाधन सीमित होने के कारण गुड्स वाई का निर्माण कम होता चला जा रहा है। अब यहां से बच्चे हम आपको MRT सिखाएंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस टेबल को ध्यान से देखें, संसाधन सीमित होने के कारण हम जब कभी भी किसी एक वस्तु के निर्माण को बढ़ाना चाहते हैं तो इस अवस्था में मुझे दूसरे वस्तु की उत्पादन को कम करना पड़ता है। जैसे ही मैं x के 0 से 1 इकाई की तरफ बढ़ता हूं, मुझे y के 10 इकाई से 9 इकाई पर आना पड़ता है। तो मैंने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, आप ध्यान से देखो, हम 10 से 9 अर्थात 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब मैं x के 1 उत्पादन को बढ़ाना चाहता हूं, इस अवस्था में मुझे y के 1 उत्पादन को कम करना पड़ता है। तो मैं कितने इकाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, 1 इकाई को। ऐसा करने से y की 1 इकाई बढ़ जाती है। When I sacrifices 1 unit of y, I get some resource out of it and use this resource in the production of commodity x. So this ratio is called marginal rate of transformation. मेरे y के 1 इकाई को कम करने से x की 1 इकाई बढ़ जाती है। यहां से MRT का फॉर्मूला तैयार होता है, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन। अब आप अगली बार देखो इसे ही। अब क्या हो रहा है बच्चे, मैं y के 2 इकाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो हरदम सेक्रीफाइस पहले लिखते हैं। 9 से मैं 7 पे पहुंच गया हूं। ऐसा करने से x की 1 इकाई बढ़ जाती है, तो इस लाइन का c कम MRT 2:1 हो जाएगा। इसको मैं और आगे ले चलता हूं। अब आप देखोगे क्या हो रहा है बच्चे, मैं 3 इकाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूं और x की 1 इकाई बढ़ रही है। फिर ये 4 इकाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, x की फिर से 1 इकाई बढ़ रही है। जैसे ही y का प्रोडक्शन 0 पर आ जाएगा, यहां जाकर अब आप यहां से संसाधन बाहर नहीं निकाल सकते, अर्थात आपने अपने पूरे संसाधनों का प्रयोग x के निर्माण में लगा दिया है। इस रेशियो को हम लोग MRT कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमान प्रतिस्थापन दर। किस तरह से उत्पादक अपने वस्तु के उत्पादन में धीरे धीरे कमी लाता है और वहां से संसाधन निकालने के बाद वो उस संसाधन को दूसरे वस्तु में लगाता है। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं रोड साइड में गोलगप्पे बनाने वाला एक रेड़ी चालक हूं, जो अपने रेड़ी के ऊपर गोलगप्पे बेचता है और साथ में टिक्की भी बेचता है। मैंने 2 गुड्स लिए, गोलगप्पे और टिक्की। मैं डेली 500 रुपए के गोलगप्पे और टिक्की बनाता हूं, लेकिन मौसम बदलने के साथ मैं इनमें संख्याओं में परिवर्तन लाऊंगा। जैसे जैसे गर्मी का महीना आता जाएगा, मैं गोलगप्पे के उत्पादन को बढ़ा दूंगा और टिक्की के उत्पादन को कम कर दूंगा। साधन अभी भी वही है 500 रुपया, लेकिन मैंने टिक्की के उत्पादन में कुछ कमी ला दी है और उस पैसे का प्रयोग गोलगप्पे के उत्पादन में लगा दिया है। क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था में क्या देखता हूं कि गर्मी के दिनों में गोलगप्पे की मांग ज्यादा है और टिक्की की मांग कम है, क्योंकि लोग गोलगप्पे के पानी से भी प्यास बुझाना चाहते हैं और वो पानी ठंडा होता है तो उनको उससे ठंडक का भी एहसास मिलता है। वहीं दूसरी तरफ टिक्की में तेलीय पदार्थ अधिक होता है, जिसे लोग गर्मी के सीजन में खाना पसंद नहीं करते हैं। संसाधन स्थिर है बच्चे, मेरे पास 500 रुपए। मैं उस संसाधन को उत्पादन में दाएं और बाएं की तरफ खिसका रहा हूं, यानी जिस वस्तु की बाजार में मांग ज्यादा है, मैं अपना संसाधन उस वस्तु के तरफ ले जाता हूं। और वहीं दूसरी तरफ यदि गर्मी से हम सर्दी के मौसम की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे बच्चे, तो इस अवस्था में क्या होगा बेटा, मैं गोलगप्पे का उत्पादन कम और वहां के संसाधन को निकालकर टिक्की का उत्पादन बढ़ा दूंगा, क्योंकि गर्मी के
दिनों में लोग गोलगप्पे ज्यादा पसंद करते हैं और सर्दी में इसके विपरीत हम गर्म पदार्थ टिक्की खाना पसंद करेंगे। फिर मैं आपको समझाता हूँ, अपने संसाधनों में हम कमी और बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, संसाधन स्थिर है, ये हमारी एक मानक थी, हमारा एजम्पशन था बच्चे। सिर्फ संसाधनों के प्रयोग में हम परिवर्तन ला रहे हैं, हम किसी एक वस्तु के निर्माण में से कुछ संसाधन निकाल लेते हैं और उस संसाधन को हम दूसरे वस्तु के निर्माण की तरफ ले जाते हैं। Then what is MRT? It is the rate at which some units of a commodity is sacrificed in order to produce an additional unit of other commodity. जब किसी वस्तु के निर्माण में से मैं कुछ संसाधन निकाल लेता हूं जिससे इस संसाधन का प्रयोग दूसरी वस्तु के निर्माण में लगाया जाए, उसे MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है बच्चे? क्योंकि संसाधन सीमित है, रिसोर्सेस आर स्कार्स एंड लिमिटेड। किसी भी बच्चे को MRT समझने में कोई दिक्कत है तो आप यहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। यहां से मैं आज के क्लास का समरी आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और अब तक आज के कालांश में हमने क्या क्या सीखा। आज हमारी पढ़ाई मूलतः दो बिंदुओं पर केंद्रित थी, हमने दो टॉपिक आज टच किया है बच्चे, एंड द टॉपिक्स आर पीपीसी एंड एमआरटी। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बच्चों इसका दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी है। जब अपने गिवन रिसोर्स और अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज करता है विद डिफरेंट ऑप्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ given resources and available technology on x and y axis. फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम इस टेबल का निर्माण करते हैं, उसमें हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, वस्तु x और y की कीमत यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा given resources आपको कितनी आय दी गई है। और आज का आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा बच्चों MRT, the full form of MRT is मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास संसाधन सीमित है, अर्थात हम जब कभी भी किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने की बात करेंगे तो हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी लानी पड़ेगी। सो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड ऑफ सम कमोडिटी in order to produce an additional unit, एक अतिरिक्त इकाई of other commodity। यहां जाकर बच्चों मैं अपने आज का कालांश समाप्त करता हूं दो गुजारिश के साथ। अभी देश एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है, COVID-19, तो आप सबों से अनुरोध है बच्चे कि आप अधिक से अधिक घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और यदि आपके अभिभावक भी बाहर जाना चाहते हैं तो आप उन्हें रोकें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।